Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are currently studying the topic Human Skeletal System. So last lecture mein humne first part cover kiya tha aur jo bhi cheez humne last lecture mein cover ki thi uska ek baar quick recap dekh lete hain taki hame sari cheezon ko connect karne mein koi bhi problem na aaye. So last lecture mein humne samjha tha ki actually mein skeletal system hai kya, उसमें कितने bones हैं skeletal system में, और हमें इसको तीन subheadings के अंदर पे पढ़ना था कि bones कौन कौन से हैं, मसल्स हैं, फिर कार्टिलेज के बारे में पढ़ना था. तो अभी हम बोन्स वाले पार्ट में हैं. तो बोन्स में हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टडी क्या होगा, फिर उसको हम फॉर्मेशन ऑफ बोन्स को ऑस्टियोजेनेसिस कहेंगे या फिर ऑसिफिकेशन वाली चीजें क्या है, है ना. फिर उसके बाद से हमने देखा कि मिनरल्स हमारे बोन्स में कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर की बोन्स हैं. बोन्स के बेसिकली हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम देखा था एंड द अदर वन इज अ पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम और इट इज ऑल्सो नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. ये चीजें हो गई. फिर हमने देखा था कि बेसिकली कितने टाइप की बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी पर. देन हमने देखा था स्कल के बारे में कि ह्यूमन स्कल जो है वो दो सेट्स ऑफ बोन्स से बना है. क्रेनियल बोन्स काफी इंपॉर्टेंट थे और क्रेनियल बोन्स में हमने देखा कि टोटल 8 बोन्स होते हैं और फेशियल बोन्स के बारे में हमने देखा, है ना. तो अब ये सारी चीजें जो है कि हमने स्कल के बारे में देखा, फेशियल बोन के बारे में देखा, फिर उसके बाद से हमने हेओइड के बारे में देखा, ईयर बोन्स भी देखा, फिर स्टर्नम के बारे में देखा कि स्टर्नम जो है वो ब्रेस्ट बोन भी कहलाता है एंड इट इज लॉन्ग फ्लैट बोन. ये फ्लैट बोन में हमने स्टर्नम का एग्जांपल देखा था, टी शेप का है, वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है. अब रिब्स के बारे में हमने तीन चीज देखी थी कि रिब्स के जो नंबरिंग है वो 1 से लेकर कितने हैं, 12, है ना. 12 है तो जो ये पेयर्स में प्रेजेंट है, टॉप से बॉटम की तरफ अरेंज होता है, प्लस 1 से 7 पेयर को हम ट्रू रिब्स कहते हैं बिकॉज इट इज अटैच टू द स्टर्नम. एंड उसके बाद से जो आपके 8 से 10th पेयर होते हैं उसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, और जो आपके 11th और 12th पेयर होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक. और हम इसको ट्रू रिब्स क्यों कह रहे थे, क्योंकि स्टर्नम से अटैच था और जो फॉल्स रिब है आपकी वो नीचे वाले जो 7th रिब होगा उससे अटैच होंगी, है ना. ये सारी चीजें हो गई. अब हमें जो एक नई चीज पढ़नी है, जो आज के लेक्चर की पहली चीज होने वाली है, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम और इट इज नोन एज स्पाइनल कॉलम. ये कुछ नहीं बल्कि आपका बैकबोन ही है, तो आप इसको नॉर्मली बैकबोन भी कह सकते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कह सकते हैं या फिर स्पाइनल कॉलम कह सकते हैं. अब जैसे कि आपके फ्रंट साइड में या वेंट्रल पार्ट में जो मेन चीज थी वेंट्रल पार्ट में, दैट वॉज स्टर्नम. ये स्टर्नम जो है वो मेन पार्ट है, बट यहाँ पे जो आपके डॉर्सल पार्ट में, मतलब पीछे वाले पार्ट में जो बैकबोन वाला साइड है, वहां पर ये प्रेजेंट है ना. मतलब बैकबोन तो पीछे ही प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे कि डॉर्सल पार्ट में है ऑफ द बॉडी. वर्टेब्रल कॉलम इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्केलेटन इन ऑल वर्टिब्रेट्स, है ना. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स है जिनके पास क्या होगा, जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट है ना. और 98% ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन वर्टिब्रेट्स क्लासिफिकेशन में आते हैं, मींस दे डू नॉट हैव बैकबोन्स. तो अगर ह्यूमन बींग्स इस 2% वाले बचे हुए क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, मतलब वी आर लकी कि हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, ये सेंट्रल एक्सिस है और है ना बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रल एक्सिस ही कहेंगे इसको स्केलेटन का. तो वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू मसल्स, सपोर्ट्स द ट्रंक, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स, सारी चीजों को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना. तो एवरेज लेंथ होता है 60 से 70 सेंटीमीटर का, बट ये फिक्स नहीं है. हम बोल रहे हैं कि एवरेज लेंथ है, किसी पर्सन की हाइट छोटी है, कोई थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो यहाँ पर उसके वर्टेब्रल कॉलम का साइज डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स हाइट, है ना. ये सारी चीजें होंगी वर्टेब्रल कॉलम के बारे में. लेकिन वर्टेब्रल कॉलम सिर्फ उतना है क्या कि हम उतना जान लें, नहीं. अभी थोड़ी सी डीपली चीजें देखनी है कि वर्टेब्रल कॉलम में जो पहले का ना 7 पार्ट तक देखना है, यहाँ पर C8 भी प्रेजेंट है, बट बेसिकली आप इसको ना लेकर कितना लेंगे, C7 लेंगे, ठीक है. तो C1 से लेकर C7 तो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वाइकल को. तो सी फॉर कैट ना होकर यहाँ पर क्या है, सी फॉर सर्वाइकल लेंगे, ठीक है, सर्वाइकल हो गया. फिर उसके बाद से नेक्स्ट आ जाता है, तो 7 जो आपके फर्स्ट टू 7 है, 1 to 7 वाला पेयर जो है वो आपका सर्वाइकल कहलाता है, इसलिए हमने C1 से C7 लिया है. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं T1 से लेकर कौन सी चीज शुरू हो जाती है, T12 तक, ठीक. T1 से क्या हो जाएगा, T12 हो जाएगा. और इस T1 से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, थोरेसिक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि ये हो गए आपके थोरेसिक नर्व्स, है ना. उसके बाद आ जाता है आपका L वाला पार्ट, तो L1 से लेकर L5 तक होता है. इस L से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लिम्बर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्चुअली मैं इसके नीचे लिखा भी हुआ है, तो जब ये इंक रिमूव होगा तो यू कैन इजिली सी दिस कि यहाँ पर लिम्बर है. तो L इज फॉर लिम्बर,
हेलियस फॉर लिम्बर एंड सैक्रल नर्व्स होते हैं यहाँ पर, तो S1 से लेकर S5 तक क्या हो जाएगा आपका, सैक्रल नर्व्स। तो अभी जो हमें चीजें देखनी है यहाँ पर, हमें थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, जैसे कि सी इज फॉर सर्वाइकल, टी इज फॉर थोरसिक, एल इज फॉर लिम्बर और सैक्रल हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है ना, तो आप इसको C1 से लेकर पूरा, मतलब इसको 1 से लेकर 26 तक कर सकते हैं, कि 1 से स्टार्ट होगा ये C1 से, फिर आप इसको कर सकते हैं कहाँ तक, 26 तक आ जाएगा। 26 तक कैसे आएगा कि आपके 7 हो गए, तो सर्वाइकल कितने हो जाते हैं, 7 तक होगा, C7 तक। फिर आ जाता है जो आपका 8 से स्टार्ट होगा, तो थोरसिक जो है आपका 8 से शुरू होकर ये जाएगा आपके 19 तक, तो 8 टू 19 हो गया आपके 12 टोटल। और यहाँ पे आ जाएगा लिम्बर, वो आ जाएगी आपकी 20 से, तो 20 से लेकर जो आपका 24 तक रहेगा 5, वो लिम्बर हो गया, एल में 5 है। और फिर आ जाता है सैक्रल, तो सैक्रल में कितने हो गए आपके, सैक्रल में हो जाते हैं ये, यहाँ पर आपके पास सैक्रल में 1 है अभी, ठीक है। और ये होता है कोसिक्स, तो लास्ट वाला है ना कोसिक्स भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोसिक्स गील भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिंपली इसको कोसिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 होगा ये, तो ये हो गए आपके पूरे 26 तक हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो नंबरिंग है वो तो हमने देख ली कि नंबरिंग क्या है, लेकिन आप थोड़े से फॉर्मुलेज देख लेते हैं कि ये जो मतलब अलग अलग चीजों के लिए फॉर्मुले होंगे ना, तो वो कैसे बनेंगे। जैसे कि एक हमें तो एडल्ट के लिए देखना है और दूसरा हमें चिल्ड्रन के लिए देखना है कि वर्टेब्रल कॉलम के डिफरेंट फॉर्मुलेज हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, फॉर्मूला ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, इसमें सबसे पहले हम एडल्ट के लिए देखते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, एडल्ट के लिए जो होता है ना, सबसे पहले सी का आएगा, तो सी कितने आपके पास, 7 रहेंगे। फिर आ जाता है आपका टी, यहाँ से बनाया है, ठीक है, टी फॉर थोरसिक, तो थोरसिक कितने थे हमारे पास, 12 थे। फिर एल मीन्स लिम्बर या लंबर कहते हैं इसको, लंबर बेसिकली ये, फिर इस लंबर के कितने हैं, 5 है, तो एल 5 हो गया। उसके बाद से आता है आपका एस, एस मीन्स सैक्रल, तो सैक्रल भी कितना है, 5 है। और उसके बाद आता है कोसिक्स जो कि आपका 1 है, तो C7, T12, L5, S5 एंड C1। सिमिलरली हमें किसमें देखना है, चिल्ड्रन पे भी चीज देखनी है कि चिल्ड्रन पे जो वर्टेब्रल कॉलम है उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो C7 ही रहेगा, T वाला पेयर भी 12 रहेगा, थोरसिक भी 12 है, L जो है वो 5 है, S कितना हो जाएगा, 5, लेकिन जो C कोसिक्स वाला पार्ट है वो 4 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बाकी सारी चीजें सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे C1 था और यहाँ पे क्या है, C5 है। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट्स एंड फॉर्मूला ऑफ वर्टेब्रल कॉलम इन चिल्ड्रन। ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है आपको। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हमें फोर लिम्स मींस हैंड्स, आपके हाथों के बारे में पढ़ना है। अब हमने इस चीज को डिस्कस किया था स्टार्ट के थ्रू कि आपके एक हाथ पे 30 बोन्स प्रेजेंट है, मींस जो दोनों हाथ है, तो 30+30 आपके कितने हो जाएंगे, 60। तो आपके दोनों हाथ में कितने बोन्स प्रेजेंट है, 60 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी हम क्लेविकल और स्केपुला वाले पार्ट को स्किप करते हैं, फिर हम उसको अलग से समझेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पार्ट से, कि जो ह्यूमन लिम्ब है उसमें सबसे पहली चीज आती है यूमरस। यूमरस मीन्स जो आपका अपर आर्म होता है, ठीक है, जो आपके शोल्डर से पहली चीज कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा आपका अपर आर्म, ये होता है यूमरस। इसको साइड में आप ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर, कि प्रैक्टिकली आपको याद रहे यूमरस किसको बोलते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे आ जाता है आपका रेडियस और उल्ना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेडियस वाला जो पार्ट है, रेडियस पार्ट आपका कहाँ पर रहेगा, थंब के साइड है, देखो इस साइड पर थंब है ना, तो जहां पर भी आपका थंब है उस साइड जो आपका हाथ, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा ना आपका, इसको हम कह लेते हैं कि जो रेडियस और उल्ना वाली चीज है, ये दो चीजें आपकी बनाएंगी लोअर आर्म। ये दो चीजें क्या बना रही है आपका, लोअर आर्म फॉर्म कर रही है, रेडियस और उल्ना, है ना। फर्स्ट इसको कर लो और सेकेंड इसको कर लो, ये दोनों चीजें साथ में मिलकर लोअर आर्म बना रही है। जो थंब के साइड पर आपका बोन प्रेजेंट है, दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, आप इसको टच करके देखिए आपको फील होगा, दो बोन्स प्रेजेंट है, तो इस साइड वाला जो थंब के साइड है वो रेडियस, जो आपके लिटिल फिंगर के साइड है दैट पार्ट इज नोन एज उल्ना। ये क्लियर हो गया। फिर आ जाता है आपका रिस्ट वाला पार्ट, तो जो रिस्ट वाला पार्ट है इसको हम रिस्ट नहीं बोलकर, हमें ये प्रैक्टिकली याद रखना है कि रिस्ट वाला पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में जैसे इसके नाम है ना ह्यूमरस, उल्ना, रेडियस, इसका याद करना है कि इसे कार्पल कहा जाता है, तो दिस इज नोन एज कार्पल। फिर आ जाता है आपका ये जो पाम वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपका पाम प्रेजेंट है रिस्ट के जस्ट बाद, तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है मेटाकार्पल।
पहले आपका कार्पल आएगा, देन आता है आपका मेटा कार्पल और ये पाम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट पे इसको लिख लेते हैं सिंपली पाम। फिर आ जाता है आपका जो यहाँ पर हैंड नहीं मार्क करोगे, हैंड तो ये आपका पूरा ही हैंड आएगा, थोड़ा सा लेबलिंग की प्रॉब्लम है इसमें। बट यहाँ पे जो फिंगर्स वाला पार्ट है आपका, फिंगर्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। तो ये फिंगर्स जैसा साउंड कर रहा है फैलेंजेस, तो आपको इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं फिंगर्स। ये जो चीजें मैंने ब्रैकेट पे लिखी हैं कि आप जरूर लिख लें उसके साइड साइड पर, ताकि जब आप इसको याद रखें ना, तो इन सारे नामों से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट अगर आप इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि हमारा जो एक्चुअली में हाथ दिख रहा है वो, उसमें हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं, रिस्ट देख रहे हैं, पाम देख रहे हैं या फिर फिंगर्स की तरफ देख रहे हो, और फिर उनको वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़े से आपको लोकेशंस पता होना चाहिए। तो ह्यूमन फोरलिंब इज द आर्म दैट अटैचेस टू द शोल्डर जॉइंट, सिंपल है डेफिनेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है। और यहाँ पे 30 बोन से बना है, तो यहाँ से आपको याद है, इसमें यूमरस आ जाएगा, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स एंड फैलेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बस यहाँ पे लेबल का प्रॉब्लम था, हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हैंड्स के बाद से आ जाते हैं हिंड लिम्स, मींस लेग्स पर, है ना। आपको थोड़े नाम से लगता होगा कि ये जो हिंड लिम्स है ना वो हैंड को बोलते होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये लेग्स का है एंड दे आर अटैच टू द पेल्विस, है ना, ये पेल्विस वाले पार्ट से अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे ये आपका पैर हो गया, अब पूरा जो लेग होता है वो आपका, उसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जा रहा है आपका थाई बोन, ये जो वाला पार्ट है, इतना जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, और इस ये इसको आप लिख लीजिए कि ये है थाई बोन। ये जो थाई बोन है ना, ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपके बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो है थाई, है ना, क्योंकि इसमें सारे आपके मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी वजन आपकी बॉडी में पड़ता है वो सबसे ज्यादा इसी पार्ट को संभालना पड़ता है, तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट भी है प्लस ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है ह्यूमन बॉडी का। फिर उसके जस्ट बाद आता है पैटेला। तो पैटेला जो है आपके, जैसे ये वाला पार्ट है, थाई वाला पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है आपके, लोअर लेग का पार्ट है, उसके बीच में जो जॉइंट होता है एक्चुअली में ट्राइंगुलर शेप का, इस तरीके से दिखता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पैटेला कहा जाता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज पैटेला एंड प्रेजेंट इन नी। ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके नी पे प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका फिब्यूला वाला पार्ट, है ना। फिब्यूला वाला पार्ट जो बाहर के साइड है उसको फिब्यूला बोलेंगे, जो इनर साइड पर है टिबिया, जैसे वहां पर हमने रेडियस और उल्ना पढ़ा था कि जो आपका इस साइड पर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिब्यूला। तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके इस पार्ट पर, उसे क्या बोलेंगे, फिब्यूला। फिर जो जैसे वहां पर रिस्ट को कार्पल्स बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये जो एंकल वाला पॉइंट है आपका, इस एंकल वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, टार्सल्स। वहां पे कार्पल्स कह रहे थे, यहाँ पे टार्सल्स कहेंगे। फिर उसके बाद हमने पाम देखा था, तो पाम को क्या कहते थे वहां पर, मेटा कार्पल्स। तो सेम वे में यहाँ पर मेटा टार्सल्स हो जाएगा ये। फिर जो फिंगर्स वाला पार्ट है वहां पर भी हम फैलेंजेस कह रहे थे, और यहाँ पर भी इसको क्या कहेंगे, फैलेंजेस ही कहेंगे। फिंगर्स बोलो या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जो सोल वाला पार्ट है आपका, यहाँ पर टोज वाला जो फ्रंट में पार्ट है, टोज वाले पार्ट को क्या कहेंगे आपके, फैलेंजेस ही कहेंगे, सेम है, ठीक है। तो हिप आपके जो बोन्स है हैंड लिम्स में, वो कौन कौन से, हिप रीजन आ जाएगा, थाई रीजन में फीमर देख लिया, क्रस वाले रीजन में टिबिया और फिब्यूला वाला हो गया, टार्सल रीजन देखा, मेटा टार्सल देखा और फैलेंजेस देखा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। फिर आता है नेक्स्ट पेक्टोरल गिर्डल। अब उसके बाद से पेक्टोरल गिर्डल जो है आपका, उसको हम शोल्डर गिर्डल गिर्डल के नाम से भी जानते हैं, तो ऑल्सो नोन एज शोल्डर गिर्डल गिर्डल, अ सेट ऑफ बोन्स दैट कनेक्ट द अपर लिम्ब टू द एक्सल स्केलेटन। यहाँ पे आपका एक्सल स्केलेटन है, तो अपर लिम्ब को क्या कर देता है, एक्सल स्केलेटन से कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैंने बोला था लास्ट में कि जब हैंड पढ़ रहे थे तो दो वर्ड थे, क्लेविकल भी था, स्केपुला भी था। तो ये जो क्लेविकल वाला पार्ट है ना, ये दोनों साइड पर इस तरीके से दिखता था। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे दो, चार बोन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है इस रीजन पे, दैट इज नोन एज स्केपुला, है ना। ये वाला जो हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, स्केपुला बोलते हैं। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस सेंटर पार्ट इज नोन एज स्टर्नम। स्टर्नम को तो आप सभी जानते होंगे, स्टर्नम हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। अब ये जो स्केपुला वाला पार्ट है वो तो ठीक है, ये स्केपुला वाला पार्ट है, लेकिन जो क्लेविकल वाला पार्ट है ना, इस क्लेविकल वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये बॉयज में क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, है ना, क्योंकि बॉयज मेनली शर्ट्स पहनते हैं, तो इसलिए शर्ट के कॉलर्स होते हैं, इसलिए हम इसको बॉयज में नाम रख देते हैं कॉलर बोन। और क्योंकि ये गर्ल्स की ब्यूटी डिसाइड करता है, दैट्स व्हाई गर्ल्स में इसी बोन को, क्लेविकल को क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। तो
ये दो चीजें होंगी, बॉयज में इसको कॉलर बोन कह रहे हैं और गर्ल्स में इसको क्या बोल रहे हैं, ब्यूटी बोन बोल रहे हैं, जो कि स्टर्नम से आपके कनेक्टेड है। ठीक है, जो स्कैपुला है उसको हम क्या कहेंगे, शोल्डर बोन भी कहेंगे। तो फाइनली हमने देख लिया कि जो क्लाविकल और स्कैपुला है, दो आपके बोन्स, उनका लोकेशन देखा। एंड ह्यूमंस में पेक्टोरल गर्डर इज मेड ऑफ द क्लाविकल विच इज नोन एज कॉलर बोन एंड द स्कैपुला विच इज नोन एज शोल्डर बोन। ये पेक्टोरल गर्डर भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेल्विक कैविटी, जो आपके हिप पे प्रेजेंट होती है। पेल्विक कैविटी जो हमने रिजन देखा था ना, कि जो आपके थाइस के और एब्डोमेन के पास वाला जो बीच में रिजन है, इस रिजन में यहाँ पर देखिए ये दो बोन्स आप टच करके फील भी कर पाएंगे, कि दो बोन्स आप फील कर पाते हैं, बहुत बड़ी बड़े बोन्स होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका पेल्विक रिजन हो जाता है। द पेल्विक कैविटी फंक्शन एज हाउसिंग स्पेस फॉर द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमने किडनी में पढ़ा था कि यूरेटर्स होते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है वो पाइप्स, तो पेल्विक कोलन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रेक्टम यहाँ पे प्लेस होता है। पेल्विक कैविटी वाले रीजन में ही जो बोन प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहे हैं, पेल्विक गिर्डल। मींस इसको क्या बोलेंगे, पेल्विक गिर्डल बोलेंगे। और इसको हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। सराउंड्स द पेल्विक कैविटी, हिप बोन इज मेड अप ऑफ थ्री। मींस जो आपका पेल्विक गिर्डल है वो थ्री बोन्स का फ्यूजन है। कौन कौन सी बोन्स है, एक तो आ जाता है आपका इलियम, दूसरा है आपका इश्चियम और तीसरा है आपका प्यूबिक। तो एक्चुअली में ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं है कि ऐसा है, बट इन तीनों को मिलाकर ये तीनों पार्ट्स इसको कॉम्प्राइज कर लेते हैं। ठीक, कि आपके इसमें क्या होंगे, तीन बोन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया आपके बोन्स वाला पार्ट ओवर, है ना। अब मसल्स स्टार्ट करना है, तो बोन्स में हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब स्टार्ट करते हैं मसल्स के बारे में। तो जो मस्कुलर सिस्टम है इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट अलाउज द बॉडी टू मूव मेंटेन पोस्चर एंड सर्कुलेट ब्लड। ये सारी चीजें मसल्स ही करती हैं। ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है, मसल से हो रही है। तो मसल्स रेगुलेट करता है, साइंस में मसल को क्या कहते हैं, मियो कहते हैं। इसलिए इसकी स्टडी क्या हो जाएगी, मियोलॉजी हो जाएगी। तो प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन और मियोसिन है मसल्स में, है ना। तो आपके मसल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिन और मियोसिन। और जो मसल है वो आपका रेड कलर का दिख रहा है। जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि पिगमेंट प्रेजेंट है किसमें, आपके प्लांट्स में। दैट्स व्हाई जो आपके लीव्स है वो ग्रीन कलर के दिखते हैं, लीव्स में वही पिगमेंट प्रेजेंट है। तो रेड कलर क्यों हो रहा है, रेड कलर ऑफ ब्लड वो किस वजह से था, हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से था। बट यहाँ पे रेड कलर ऑफ मसल्स क्यों है, एक नए पिगमेंट की वजह से, जिसको हम बोलेंगे मियोग्लोबिन। सारी चीजें रिलेटेड हैं। मसल्स को बोलते हैं मियो, उससे जुड़ा हुआ प्रोटीन जो रेड कलर देता है मसल्स को, दैट इज नोन एज मियोग्लोबिन। स्टडी ऑफ मसल्स मियोलॉजी, नो कंफ्यूजन। प्रोटीन एंड मसल्स मियोसिन एंड एक्टिन याद रखना है। दूसरा आपको, ह्यूमन बॉडी में कम से कम लगभग 600 मसल्स होते हैं, कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो, बट हम एस्टिमेशन लेकर चलते हैं 600 मसल्स हैं। अब इसमें टाइप्स देखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि जो स्ट्रेटेड मसल है उसको एक्चुअली में हम स्ट्रेटेड क्यों कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जैसे स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये वाले, फिर इसके बाद से आ जाते हैं ये वाला पार्ट आपका नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड बोल सकते हैं, और ये हो गया आपके कार्डिक मसल्स हो गए। तो जो आपके स्टेटेड मसल्स है ना, उसमें ये स्टेटेड नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें एक्टिन और मियोसिन दो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जो आपके एक्टिन और मियोसिन का अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलरली इसमें काफी सही होता है। इस तरीके से एक लीनियर स्ट्रक्चर में ये अरेंज होंगे, तो ऐसे ये लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं एक साथ। यहाँ पे आ गया आपका एक्टिन प्रोटीन, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका मियोसिन। आई एम यूजिंग द वर्ड्स अल्फाबेट्स ए एंड एम, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक्टिन ही होगा, ठीक है। ये वाला भी एक्टिन है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मियोसिन, ये फिर एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे मियोसिन। तो इस तरीके से आपकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रही है लीनियर फॉर्म में, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। तो इन दिस डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मियोसिन प्रोटीन स्ट्रेटेड मसल। अनस्ट्रेटेड में क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिल रही थी ना एक्टिन एंड मियोसिन की, यहाँ पर एबसेंट होगी, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अनस्ट्रेटेड टाइप का हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं होगा, है ना। फिर आ जाते हैं कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स के बारे में हम समझेंगे डिटेल में, ये आपके हार्ट के पास ही प्रेजेंट होंगे और इसको हम समझेंगे अलग से कि कैसे हैं ये इससे डिफरेंट। पहले हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेड मसल में हमने देख लिया कि एक डेफिनेट अरेंजमेंट मिल रहा है एक्टिन एंड मियोसिन का, और इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है, इसलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। लेकिन जो अनस्ट्रेटेड मसल है उसमें एक्टिन और मियोसिन का डिफरेंट अरेंजमेंट एब्सेंट है, और इसलिए वो अनस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बिकॉज ऑलवेज स्ट्रेटेड मसल इज ऑलवेज अटैच टू द बोन्स, बोन से, हड्डियों से जुड़ा होगा हमेशा, इसलिए हम इसको बोन मसल भी कहते हैं। प्लस
यहाँ पे जो आपके अनस्टेटेड हैं बेसिकली उनमें अरेंजमेंट्स नहीं है, तो इंटरनल जो ऑर्गन्स है बॉडी के वहां पर प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको स्मूथ या फिर विस्ट्रल मसल के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है जो आपका स्टेटेड मसल है, दीज मसल्स वर्क अंडर अ विल और अकॉर्डिंग टू अ डिजायर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए वॉलेंट्री। जो भी चीज आपकी इच्छा मीन स्वेच्छा से हो उसको क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री। तो ये वाले जो मसल्स हैं जब आप चाहेंगे तभी ये काम करेंगे, जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आप चाह रहे हैं ना कि आपको एक्सरसाइज करनी है तभी ये काम करने, आपको दौड़ने जाना है, आप रनिंग पे जा रहे हैं तो आपकी मसल्स काम कर रही हैं। मीन्स यहाँ पर आप अपनी मर्जी से उन मसल से काम करवा रहे हैं तो इसलिए वॉलेंट्री हो गई। अगर आप अपनी मर्जी से काम करवा रहे हैं तो ज्यादा काम करने से वो थक जाएंगे, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ फैटिग इन द स्टेटेड मसल एंड इट कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज्यादा देर तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप थक जाएंगे। तो ऐसी सारी मसल्स जो कि ज्यादा देर काम नहीं कर पाती हैं और उनको फैटीग फील होने लगता है, दीज मसल्स आर क्लासिफाइड एज वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर डिजायर, है ना। फिर आ जाते हैं अनस्टेटेड मसल्स पे, तो दीज मसल्स डू नॉट वर्क अंडर अ विल और अकॉर्डिंग टू अ डिजायर, इसलिए इनवॉलेंट्री हो जाएंगी। क्लियर? फिर यहाँ पर अगर आपकी मर्जी से काम नहीं कर रही हैं, अपने आप से ही काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं थकती होंगी। अगर कोई अपनी मर्जी से बहुत देर तक काम कर रहा है तो वो उसकी खुशी से काम कर रहा है ना, मतलब इनको थकान ही नहीं फील होती है। तो देयर इज नो फीलिंग ऑफ फैटिग इन द अनस्टेटेड मसल, इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हो गया। यहाँ पर थोड़े से और डिफरेंसेस हैं। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं जैसे कि स्ट्रेटेड मसल रिलेटिवली ज्यादा लंबी होती है, रिलेटिवली लॉन्गर एज कम्पेयर टू अनस्ट्रेटेड मसल, और ये रिलेटिवली स्मूथ होते हैं इनके कंपेरिजन में। तो ये छोटे, ये वाले थोड़े लॉन्ग, यहाँ पे ये स्मूथ, मतलब ये थोड़े से टफ होंगे, है ना। यार जैसे कि आपके बोन मसल्स हो गए, टंग हो गया, या फिर अपर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जैसे हम बोल सकते हैं, माउथ हो गया, या फिर जो आपका बगल कैविटी वाला रीजन है माउथ, है ना, ये ज्यादा आप बहुत देर तक बोल रहे हैं तो आप थक जाएंगे। बट हाँ, ये जो बकल कैविटी वाला रीजन है, अगर आप बहुत बात कर रहे हैं तो थक जाएगा, बहुत देर तक कुछ खा रहे हैं तो हाँ दर्द होने लगेगा, है ना। तो वॉलंटरी मीन्स फैटिग फील हो रहा है, और ये जो मसल्स है इंटरनल ऑर्गन्स के वो अपने आप काम कर रहे हैं, तो अनस्टेटेड मसल्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिक मसल, अब इसको समझते हैं हम। अब कार्डिक मसल्स दोनों का फ्यूजन है एक तरीके से। कैसे फ्यूजन है? बिकॉज हम इसे और क्या बोलते हैं, मियोकार्डियम बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मियोकार्डियम। इट इज अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू दैट मेक्स अप द हार्ट थिक मिडिल लेयर, जो कि क्या बना रहे हैं, हार्ट का थिक मिडिल लेयर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि हार्ट का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से पढ़ लिया था, ठीक है, ये हमने अपने अनुसार पढ़ लिया था कि ऐसी चीज है वो दिख, ऐसा दिख सकता है। अब हमने देखा कि इसके अंदर ना थोड़ी सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो अगर हम इसको लेयर्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये आपका इंटरनल पार्ट है, और यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर्स, यहाँ पे जो आपके पार्ट्स है ना, ये तीन लेयर्स ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, वन टू, और यहाँ पे कॉल लेयर ले लेते हैं इसको। तो ये जो आपकी इंटरनल लेयर है इसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। दिस लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम बोलेंगे। फिर जो आपका बीच वाला मिडिल वाला लेयर होगा, दिस इज नोन एज मियोकार्डियम। बट यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि ये थोड़ा इजियर हो जाए। और लास्ट वाला आपका ये तीन लेयर में एपिकार्डियम, ये वाला जो बाहर सबसे लेयर होता है, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये आपका हार्ट हो गया, है ना, इस तीनों लेयर्स इसको प्रोटेक्ट करके रख रही हैं, और इसमें जो प्रोटीन है वो आपको पता है मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, तो ऐसे करके ये प्रोटेक्शन दे रही है। अब आपको जो आपका कार्डियक मसल है ना, बेसिकली ये दोनों काम करता है, स्ट्रेटेड मसल भी है और अनस्ट्रेटेड भी है। स्ट्रेटेड मसल किस वे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये थक जाएगा, कुछ देर काम करेगा, कुछ पार्ट इसका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो स्ट्रेटेड वाला पार्ट होगा, और जो आपका वर्क कर रहा है वो अनस्ट्रेटेड की तरह कर रहा है। तो अगर हम बोलें कि इसमें थकने वाली तो बात हटा दो, ये हमेशा काम करता रहता है क्योंकि थकता नहीं है, तो अनस्ट्रेटेड क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर एक्टिन और मायोसिन वाले तरीके से अरेंज होगा। प्रॉपर हार्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, तो ये यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन की तरह अरेंज है, इसलिए स्ट्रक्चर में हम बोल रहे हैं स्ट्रेटेड की तरह है। लेकिन काम ये थकने वाला नहीं करता है क्योंकि आपका हार्ट हमेशा काम करता रहता है, इसलिए जो वर्क कर रहा है ये वर्क अनस्ट्रेटेड की तरह कर रहा है, इसलिए दोनों चीज यहाँ पे ये दोनों चीजों को कॉम्प्राइज कर लेते हैं। इट मेक्स अप द हार्ट वॉल्स, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, है ना, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ये पंप कर पाता है।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज में, जो तीन क्लासिफिकेशन से थे उसमें से हमारा बोन हो गया। बोन के बाद से हमने क्या देख लिया, मसल्स देख लिया, और मसल्स के बाद से कार्टिलेज देख लेते हैं। तो जो कार्टिलेज है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट बोन्स एंड जॉइंट्स एंड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कार्टिलेज जो होता है ना, अगर कोई भी शॉक आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है या आसपास जो भी ऑर्गन्स है उसके नीचे, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए हम इसको स्मूथ बोन या फिर फ्लेक्सिबल बोन भी कहते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप जो एज अ पर्सन आप भी काफी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, आप उसको इजिली हैंडल कर सके। इसलिए इन द सेम वे यहाँ पे जो कार्टिलेज है वो भी, उसमें भी क्या है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है काफी, क्योंकि प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल बोन कहलाता है। अब ये कहाँ कहाँ पर होगा, आपके जो ईयर्स हैं, ईयर्स मतलब आउटर ईयर में होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि आउटर ईयर में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर नोज में होगा। नोज को भी अंदर प्रोटेक्शन देता है, कभी कभी नाक पे लग जाता है ना, लेकिन वो कार्टिलेज की वजह से प्रोटेक्टेड रहती है। फिर आता है जॉइंट बिटवीन बोन्स, वहां पे कार्टिलेज होगा। वर्टेब्रे इन द स्पाइन, ट्राकिया जो हमने पढ़ा था आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो भी कार्टिलेज ही है। इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम, एंड ऑफ द रिब्स, जो आपके रिब्स थे 12 पेयर्स, वहां पर भी है ये। ब्रोंकियल ट्यूब्स या एयरवेज जो है, ब्रोंकिया ही पड़े थे वहां पे, जितने भी ट्यूब्स थे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारी चीजें थी। तो एक चीज और है, जैसे आप ये पार्ट्स पढ़ते हैं ना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो, और अगर आपको पहले से चीजें नहीं पता है, लेकिन जैसे कुछ लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, बट ऐसे भी तो लोग पढ़ रहे हैं ना जो कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें सारी चीजें टेंथ के बाद थोड़ी सी आउट ऑफ चली गई होंगी कि क्या चीजें हैं। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो यू विल बी एबल टू इजीली कोरिलेट द थिंग्स, आप किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी चीजें डिपेंड करती हैं आपके रिविजन पे भी। तो locations of cartilage यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, वही सारी चीजें बताइए। इसमें आपको इतनी सारी चीजें बिल्कुल याद नहीं रखनी है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं कि क्या है, बस आपको याद रखना है कि ये टिप ऑफ द नोज पर है। फिर यहाँ पे लिम्ब जॉइंट्स पर आपके मिलेगा कार्टिलेज, और कहाँ पे प्रेजेंट है, एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, और कार्टिलेजेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है बिटवीन बोन्स ऑफ द हैंड। बस locations याद रखनी है इसका, इस जो इस इमेज का इस जो आपका ऑब्जेक्टिव है बस वही है कि locations याद रहे। फिर आ जाता है टेंडन और लिगामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर बोथ कनेक्टिव टिश्यूज दैट सपोर्ट बोथ मसल्स एंड बोन्स को सपोर्ट कर रहा है ये, ठीक, मसल्स एंड बोन को सपोर्ट कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में काम करता है, ठीक है। तो हमें इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके लिए हम अलग अलग कलर्स यूज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये जो हम आपके फीमर वाला जो बोन है ना, उससे एग्जाम्पल, उसको एज एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में कोई डिफिकल्टी ना हो यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ये जो रिजन है ट्राइंगुलर शेप का, इस रिजन को हम क्या बोल रहे थे, पैटेला बोल रहे थे। तो दिस रिजन इज नोन एज पैटेला, तो दिस बोन इज नोन एज फीमर, ये फीमर बोन हो गया, मतलब आपका थाइज वाला रिजन। अब हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ये आपके मसल्स हो गए, है ना, मसल्स हैं। फिर अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक रीजन होगा आपका ये वाला रीजन, इसको आपको सेपरेटली देखना है। फिर और एक रीजन होगा आपका रेड कलर, एक हो गया ये वाला, यहाँ पे रीजन हो गया। और अब हम इसको भी चेंज करते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा ये वाला रीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लेबल कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा रीजन है। ये जो आपके सेंटर वाला जो ये ब्लैक वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपके मसल्स, ठीक है, ये मसल्स हो गए। फिर आ जाता है आपका ये जो मसल्स और बोन्स के बीच का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टेंडन। लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि आपके फीमर और मसल्स के बीच में आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी आपका बोन है फीमर, और यहाँ पे मसल्स है, तो जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है उसे टेंडन कहते हैं, ठीक। ये वाले जो पार्ट हो गया ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये ग्रीन पार्ट क्या बना रहा है, आपका सिंपल कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है, इसको हम सिंपली ये लेबल करेंगे सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, ओके। फिर ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है, ये स्किन है, ये पिंक कलर है, ये रेड कलर यूज किया, तो ये आपका जो रेड वाला पार्ट है स्किन है। कैसे कनेक्शन है, पहले सबसे पहले आपका बोन है अंदर के साइड पर, फिर उसके बाद जो बोन और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है उसको हमें टेंडन बोलना है, मतलब टेंडन है एक्चुअली में ये,
और उसके बाद से जो ग्रीन वाला पार्ट है जो कि आपके स्किन से कनेक्टेड है, इसको सिंपल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, जो कि आपके स्किन से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, लेट मी चेंज द। हेलो, अब यहाँ पे जो ये पार्ट है, येलो वाला पार्ट, इस रीजन को हम बोलेंगे, लिगामेंट। तो दिस येलो रीजन इज नोन एज लिगामेंट। अब ये क्या काम कर रहा है, जैसे टेंडन ने यहाँ पर बोन को मसल से जोड़ा था, ये बोन को, एक बोन को दूसरे बोन से, क्योंकि फीमर और पैटेला दो बोन्स हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये जो है वो बोन से बोन को अटैच कर देता है। और अब इसमें देख लेते हैं कि आपके बोन्स में भी तो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो कार्टिलेज वाला पार्ट जो है, क्या आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कैसे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ये जो इन दोनों जॉइंट्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, इस ब्लू रीजन को आप क्या लेबल करेंगे, कार्टिलेज। तो मुझे लगता है आपको सारे लोकेशंस क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बनाना, क्योंकि ये ही आपको, ये जो चीज है ना, ये डायग्राम जो है, वही आपको लोकेशंस क्लियर करेगा, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है टेंडन्स और लिगामेंट्स के बीच में। देखिए सबसे इजी चीज है कि जो आपके टेंडेंस थे वो बोन और मसल को कनेक्ट कर रहे थे, तो ये जो आपका रेड वाला रीजन है, ये जो आपका ये वाला रीजन है, इससे क्या बोलते हैं, ये मसल है, और मसल को किससे कनेक्ट कर रहा है, बोन से कनेक्ट कर रहा है। तो मसल और बोन्स जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। मसल्स और बोन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब उसे क्या बोलते हैं, टेंडन। और जब बोन्स, और यहाँ पर भी बोन है, यहाँ पर भी बोन है, जब ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लिगामेंट। तो यहाँ पे देखिए लिगामेंट, और ये आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज तो आपको। बस डिफरेंस है इसका कि डिफरेंस में जो टेंडन है वो मसल को बोन से कनेक्ट कर देता है, बहुत ही स्ट्रांग होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, क्योंकि मूव नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये चीज जो आपने यहाँ पे बनाई है, ये मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जो दो बोन्स है, आपको इजिली आपको नी बेंड करने मिलता है ना, यहाँ से आप मोड़ सकते हैं अपने नी को, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैक्सिबल नहीं है, मतलब स्ट्रांग होगा, यहाँ पर ये फ्लैक्सिबल है, इसलिए इलास्टिक रहेगा टेंडन से ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे टेंडन्स कंसिस्ट ऑफ कोलेजन आएगा, एंड कोलेजन एंड इलास्टिन, और यहाँ पे ये कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन याद रखना है कि किससे बना हुआ है। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो आपको स्ट्रेन होता है, जैसे आपके पैरों में ऐंठन हो रही है, या फिर इसको स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन किसके वजह से हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है आपके लिगामेंट पे। तो जब स्ट्रेन होता है, मीन्स आपके लिगामेंट जो बोन टू बोन कनेक्शन है, वहां पर स्ट्रेच होगा, तो आपको स्ट्रेन कॉज होगा। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज मियोसाइट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके मसल का, उसको याद रखना है कि उसको क्या कहा जाता है, मियोसाइट किया कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर। ये थोड़े से पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मसल फाइबर कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल, बाकी कुछ नहीं है। मसल्स क्या है, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आप काम करने के लिए यूजफुल है। मियोग्लोबिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मियोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर दिखेगा हेमोग्लोबिन की तरह, और ये जो मियोग्लोबिन है वही आपका पिगमेंट है जो मसल्स को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है ना। और बाकी सारी चीजें हैं, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हुआ हो, क्योंकि हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हमें थ्री हेड्स में करना था, बोन्स, मसल्स और कार्टिलेज, तो हमने तीनों के बारे में डिटेल में देख लिया है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, यू कैन इजिली आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा इस सेकेंड लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और यू कैन मेक योर ओन नोट्स, जैसा भी आपको सही लगता है, जिस भी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर में। अभी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें मेनली दो तीन सिस्टम्स और बचे हैं, बाकी उसके बाद से हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है कि एनिमल और प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और हमें उसके बाद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड डिजीजेस, ये सारे टॉपिक्स भी हैं। तो अभी ह्यूमन बॉडी को खत्म करने के लिए हमें दो तीन सिस्टम्स और पढ़ने हैं, तब हमारा ये खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड हैव फन। स्टडी भी करनी है आपको, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।